ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। एनसीपी नेता अनिल देशमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी जंग तेज। देशमुख का दावा, पेन ड्राइव में है सारे सबूत। फडणवीस बोले, हमारे पास भी है ऑडियो वीडियो सबूत। राष्ट्रपति भवन के दरबार और अशोक हॉल का बदला गया नाम। प्रियंका गांधी ने नाम बदलने पर सरकार को घेरा, बोली दरबार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन शहनशाह का कॉन्सेप्ट है। गुरुग्राम के एक सोसाइटी के स्विमिंग पूल में एक बड़ा हादसा हुआ, 6 साल के मासूम बच्चे की डूबने से मौत हो गई। लाइफ गार्ड की लापरवाही के खिलाफ नाराज लोगों का हंगामा, पुलिस ने 2 लाइफ गार्ड्स को किया गिरफ्तार। और देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बिगड़े हालात, मनाली में बादल फटने से हाहाकार। गुजरात के वलसाड़ भरूच की सड़कों पर बहा सैलाब, विदेशों में भी बाढ़ से डूबे शहर के शहर। तो चलिए खबर के पहली खबर के साथ शुरुआत करेंगे। 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हो सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन राज्यों वाले मुख्यमंत्रियों ने बैठक में शामिल होने से किया इनकार, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि ममता बनर्जी ने INDIA गठबंधन से मुंह मोड़ लिया है। दरअसल पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया, जबकि ममता बैठक में शामिल हो सकती हैं, जिसके लिए ममता ने डिमांड की पूरी लिस्ट भी तैयार कर ली है। इस बैठक में ममता बनर्जी केंद्र सरकार से 1,71,000 करोड़ रुपए की मांग कर सकती हैं और हर सेक्टर का अलग अलग हिसाब लिखकर केंद्र को सौंप सकती हैं। साथ ही सूत्रों से खबर ये भी है कि ममता बनर्जी ने अलग से प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा। नीति आयोग की 9वीं बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक में राज्यों के CM, उपराज्यपाल शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के बालूरघाट से सांसद सुकांत मजूमदार ने बंगाल को लेकर एक ऐसी मांग कर दी है जिससे विपक्ष, खासकर TMC खेमे में खलबली मच गई है। TMC के नेता BJP पर बंगाल को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कल प्रधानमंत्री से मिलकर नॉर्थ बंगाल को पूर्वोत्तर में मिलाने की मांग उठाई, जिस पर TMC ने कड़ा एतराज जताया और कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और BJP का हाल भी CPM और कांग्रेस की तरह ही होगा। तो याद रखना चाहिए, ये तरह की मांग उठाना बंगाल के लोग, उत्तर बंगाल के लोग कभी नहीं पसंद करते हैं, मानते भी नहीं, और ऐसा उल्टा सीधा बात कहे तो CPM जैसे पश्चिम बंगाल का 0 बन गए, कांग्रेस भी 0 बन गए, तो BJP का भी 2026 में 0 बनने का समय आ गया। दरअसल पश्चिम बंगाल के 9 जिलों को मिलाकर नॉर्थ बंगाल बनता है, जिसमें कूच बिहार से लेकर मालदा तक शामिल है। इससे पहले दार्जिलिंग को गोरखालैंड बनाने की मांग को लेकर कई दिनों तक आंदोलन चला था, लेकिन सियासी लिहाज से इसे BJP के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल नॉर्थ बंगाल में विधानसभा की 56 सीटें और लोकसभा की 8 सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP ने यहां की 8 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2024 में 6 सीटों पर जीत दर्ज की, और ऐसा माना जाता है कि BJP इसीलिए उत्तर बंगाल को अलग करने की सियासत कर रही है। महाराष्ट्र की सियासत में अनिल देशमुख की लाल पेन ड्राइव ने हलचल मचा दी है। एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और एक लाल पेन ड्राइव दिखाते हुए दावा किया कि मेरे पास देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। दरअसल अनिल देशमुख ने आरोप लगाया कि 3 साल पहले फडणवीस ने उन पर दबाव बनाया था कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं के खिलाफ झूठे हलफनामे दायर करें। देशमुख ने दावा किया उनका मकसद MBA सरकार को गिराना था। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे ED और CBI जांच से मुक्ति दिलाने का वादा किया गया था और जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेताओं के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, ये पेन ड्राइव है, कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। जांच से मुक्ति दिलाने का वादा किया गया था, तो वही देवेंद्र फडणवीस ने भी देशमुख के आरोपों पर पलटवार किया और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया। त्यांचे काही ऑडियो विजुअल हे मला आणून दिलेले आहेत, त्यामध्ये ते उद्धव ठाकरेंबद्दल काय बोलतात, ते पवार साहेबांबद्दल काय बोलतात, या संपूर्ण जे आरोप आज आमच्यावर लावतात। दरअसल महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान अनिल देशमुख गृहमंत्री थे और उन पर अवैध वसूली के आरोप लगे थे, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और कई दिनों तक जेल में भी रहे थे, लेकिन नए खुलासे से अब महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है।
और इस मुद्दे पर शिवसेना और शिवसेना उद्धव गुट के नेता आमने सामने आ गए। वो सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, अपने पक्ष के हित की बात करते हैं, और वो खुद रिकॉर्ड पे हैं जहां उन्होंने कहा हाँ मैंने ये पार्टियां तोड़ी हैं सरकार में वापस आने के लिए। कि एक करप्ट आदमी, हफ्ता वसूली करने वाला आदमी जो बेल पर भटक रहा है, ऐसा आदमी जो बयान दे रहा है, उन बयानों में बहुत ज्यादा सत्य नहीं है और तथ्य नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी देशमुख के बयान को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है। क्या विधानसभा चुनाव अब समीप है, इसके लिए क्या सनसनी फैलाने के लिए या लोगों को भ्रमित करने के लिए आरोप इस समय पे किया जा रहा है? अगर आरोपों में तथ्य था ऐसा आपको लगता है तो 2 साल चुप्पी का क्या कारण? महाराष्ट्र में लाल पेन ड्राइव को लेकर सियासत हाई हो गई है, तो एनसीपी शरद गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों ने ही दावा किया है कि उनके पास पेन ड्राइव है जिसका सीक्रेट उजागर किया तो सियासी भूचाल आ जाएगा। दोनों ने अपनी अपनी पेन ड्राइव को लेकर क्या दावे किए, चलिए वो जल्दी से हम आपको बता देते हैं। तो अनिल देशमुख का दावा है कि उनके पास पेन ड्राइव में वीडियो वाले सबूत है। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा है कि उनके पास देशमुख के ऑडियो वीडियो हैं। अनिल देशमुख ने दावा किया है कि उन्हें झूठे हलफनामे दाखिल करने को कहा गया और दबाव बनाया गया। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जो उनके पास ऑडियो वीडियो है उसमें उद्धव और शरद पर जुड़ी कई अहम बातें हैं। अनिल देशमुख का कहना है कि फडणवीस जब कहेंगे तब पेन ड्राइव दिखा दूंगा और उनकी पोल खोल दूंगा। तो वहीं पलटवार में फडणवीस ने भी कहा है कि समय आया तो वो भी वीडियो पब्लिक कर देंगे और अनिल देशमुख को एक्सपोज कर देंगे। अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि उन पर उद्धव आदित्य अजीत पवार को फंसाने के लिए बोला गया था और दबाव बनाया गया था। तो वहीं इस पर जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि वो इस तरह की राजनीति नहीं करते। अनिल देशमुख ने दावा किया कि मुझे अपने पाले में लेने के लिए फडणवीस का सहयोगी कई बार मुझसे मिला। तो वहीं फडणवीस ने कहा कि अनिल देशमुख झूठ बोलकर नैरेटिव सेट कर रहे हैं जो पूरी तरह से गलत है। और कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच छन गई है। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने रात भर प्रदर्शन किया और विधानसभा में भूमि घोटाले पर चर्चा कराने की मांग की। क्योंकि कर्नाटक बीजेपी विधायकों ने ऐलान किया कि सरकार जब तक मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले पर सदन में चर्चा नहीं कराएगी तब तक वो सदन में डटे रहकर प्रदर्शन करेंगे। इसलिए बीजेपी विधायक अपने अपने घरों से तकिया कंबल लेकर विधानसभा पहुंचे और कर्नाटक विधानसभा में पूरी रात धरना दिया। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं हनुमान चालीसा पाठ करके भगवान से सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। बीजेपी विधायक और एमएलसी पूरी रात विधानसभा में जमीन पर चादर बिछाकर सोए और सुबह उठे तो चाय की चुस्कियां ली और कसरत भी किया। बीजेपी विधायकों का आरोप है कि वो मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा पर हुए भूमि घोटाले पर सरकार से चर्चा करना चाहते लेकिन सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करने की सरकार ने उन्हें इजाजत ही नहीं दी, जिसके बाद उन्हें विधानसभा और विधान परिषद में धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीजेपी विधायकों का आरोप है कि मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण में 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वाल्मीकि बोर्ड में एससी समुदाय के विकास के लिए जो पैसा रखा था उसका कर्नाटक सरकार ने दुरुपयोग किया है। एससी समुदाय के विकास के लिए 189 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने थे लेकिन उसमें से 89 करोड़ रुपए शुरू में ही ट्रांसफर कर दिए गए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि दलितों की 1,00,000 वर्ग फीट से ज्यादा जमीन लूट ली गई है और मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से आवंटित की गई जमीन में सीएम सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती भी शामिल है। चीफ मिनिस्टर in Valmiki scam also, Valmiki board scam also. At the same time, in a Muda scam, that is Mysore Urban Development Authority scam, where he has, in his wife's name, 14 most valuable sites have been allotted. बीजेपी का दावा है कि अनुसूचित जाति के विकास के लिए जो धनराशि आवंटित की गई थी उसमें भ्रष्टाचार किया गया है और सरकार सदन में इसका जवाब दे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट विपक्ष को बिल्कुल रास नहीं आया। चूंकि सरकार ने बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विकास के लिए पिटारा खोल दिया और इसीलिए विपक्ष ने इस बजट को भेदभावपूर्ण कह दिया। और संसद के चौथे दिन भी बजट को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया और लोकसभा में जमकर हंगामा किया।
जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन को संबोधित किया और विपक्ष को करारा जवाब दिया। किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्ष जनादेश का अपमान कर रहा है। अध्यक्ष जी, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। किरण रिजिजू की अपील करने के बाद भी संसद के अंदर और संसद के बाहर हंगामा जारी रहा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बजट आम जनता के हित में नहीं है और इसीलिए हमें विरोध करने से कोई नहीं रोक सकता। खड़गे जी ने दो राज्यों के बारे में कहा और उन राज्यों का नाम लिया, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कुछ नहीं मिला है। तो ये बजट तो इस देश के आम जनता के खिलाफ। वहीं आज लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी केंद्र सरकार पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अंग्रेजों की तरह काम कर रही है। और चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या, मणिपुर हिंसा, हाथरस रेप कांड और किसानों का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि देश में आज इमरजेंसी जैसे हालात हैं। इमरजेंसी ये भी है कि अपनी इज्जत के लिए धरना दे रही महिलाओं पहलवानों को प्रदर्शन में प्रोपोगंडा बताया गया। इमरजेंसी ये भी है, इमरजेंसी ये भी है कि कोई पत्रकार सवाल करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी जब प्रश्नकाल के दौरान भाषण दे रहे थे तभी बीजेपी सांसद रवनीत बिट्टू ने टोकाटाकी की तो और ज्यादा भड़क गए। कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। और उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू पर व्यक्तिगत हमले भी किए। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी बजट को लेकर हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में राघव चड्ढा ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि देश में आज जो आर्थिक स्थिति है उसके कारण ही बीजेपी का चुनाव में ये हाल हुआ है। सर, आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी वित्तीय बजट देश में प्रस्तुत किया जाता है तो देश के कुछ वर्ग उस बजट से खुश होते हैं और कुछ वर्ग उस बजट से निराश होते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने वो अचीव कर लिया जिसे अचीव करना संभव ही नहीं था। इस सरकार ने इस बजट से लगभग देश के हर वर्ग को निराश किया। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरा और विपक्षी विधायकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला उत्पीड़न और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वही विधानसभा के अंदर भी विपक्षी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। इधर बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के सामने विधायक धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की और पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का विरोध जताया। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बिहार सरकार पर करारा हमला किया। राबड़ी ने कहा नीतीश राज में महिलाओं का अपमान हुआ। गंदा काम कई लोग करता है बीजेपी का दिन वाला, महिलाओं का अपमान क्या बोले थे? माफी मांगना चाहिए, महिलाओं को बार बार अपमान मत करें। वहीं विपक्ष के विरोध पर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने करारा पलटवार किया। जिसने इस देश में हिटलर शाही रवैया अपनाया वो आज काली पट्टी लगा के घूम रहे हैं दमन के नाम पर, उनको तो सबसे पहले अपने चेहरे पर काली पोत के घूमना चाहिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बताया गया कि इस बैठक में इलाके की समस्याओं, विकास योजनाओं और हर एक सीट पर चर्चा की गई, जिसमें मेरठ मंडल के सभी सांसद और विधायक शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नेताओं से एक एक कर बात की और उनके इलाके की समस्याओं के बारे में जाना। साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बैठक में शामिल सभी नेताओं से हर एक सीट का फीडबैक भी लिया। बताया गया कि बैठक के दौरान कई नेताओं ने अपने इलाके की समस्याओं को उठाया और मुख्यमंत्री से इस मामले में कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद सीएम योगी ने भी एक्शन का भरोसा दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री 10 मंडलों में लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने अभियान तेज कर दिया है, लेकिन फूलपुर विधानसभा उपचुनाव पर सभी दलों की नजर है, जिसके लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से
सियासत और दिलचस्प हो गई। 27 जुलाई को नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद फूलपुर का दौरा करेंगे और चुनावी तैयारियों को परखेंगे। साथ ही आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें प्रत्याशियों के चयन पर भी चंद्रशेखर आजाद मंथन करेंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी पहली उपचुनाव के मैदान में उतरने जा रही है। हालांकि मुख्य मुकाबला एसपी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है, लेकिन चंद्रशेखर और बीएसपी के मैदान में आने से उपचुनाव की लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। हालांकि बीजेपी चुनाव में जीत का दावा कर रही है। बसपा की और चंद्रशेखर रावण की तो लोकतंत्र में सब राजनीतिक दल चलाते हैं, सब चुनाव लड़ते हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 10 की 10 सीटें हम बाई इलेक्शन जीतने में कामयाब। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा और उपचुनाव के लिए बैठकों का दौर जारी है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें कुछ विधायकों ने अधिकारियों के न सुनने की शिकायत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया कि अगर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो उसके खिलाफ पक्के सबूत के साथ शिकायत करें। सबूत होने पर उस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बने, उपचुनाव में सब मिलकर काम करें, अपने अपने इलाके में जनता से संवाद बनाए रखें, बात नहीं सुनने वाले अफसरों के खिलाफ सबूत लेकर आएं, सबूत होने पर बात नहीं सुनने वाले अफसरों पर तुरंत कार्रवाई होगी। जब तमाम विधायकों ने सीएम से अधिकारियों की शिकायत की, सीएम ने तमाम विधायकों से ये कहा कि आपके पास अगर पर्याप्त सबूत हैं तो वो सबूत उपलब्ध कराएं, जिससे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि की जीत में 50% पार्टी की तो 50% भूमिका प्रत्याशी की होती है। ऐसे में ये जरूरी है कि वो अपने इलाके की जनता से संवाद बनाए रखें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने में परीक्षा कराने का अपना वादा निभाते हुए नई तारीखों का ऐलान किया। साथ ही इस परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। यूपी पुलिस में करीब 60,000 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन अगले महीने 5 दिनों में किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त को होगा और ये दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी, जिसमें करीब 48,00,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। भर्ती परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन 2 शिफ्टों में किया जाएगा और हर पाली की परीक्षा में करीब 5,00,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड दिखाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। दरअसल 17 और 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा राज्य के 75 जिलों में आयोजित कराई गई थी, जिसमें करीब 48,00,000 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, लेकिन बाद में पेपर लीक की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों और ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर विवाद के बीच यूपीएससी ने एक बड़ा कदम उठाया। खबर यह है कि यूपीएससी ने अपनी परीक्षा प्रणाली में बदलाव करने का फैसला किया, जिसका मकसद परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली को रोकना है। जानकारी के मुताबिक संघ लोक सेवा आयोग ने अब परीक्षा में धांधली रोकने और सुधार करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला किया। इनमें आधार फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण, उम्मीदवारों के चेहरे की पहचान और लाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी निगरानी शामिल है। बताया गया कि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के दौरान टेक्नोलॉजी सर्विस के लिए पीएसयू के संपर्क में है। खबर ये भी है कि टेंडर के दस्तावेजों में साफ किया गया है कि इस तरह की सेवाएं देने वाली कंपनियों को परीक्षा के 2 से 3 हफ्ते पहले ही शेड्यूल, परीक्षा केंद्रों और कितने उम्मीदवार शामिल होंगे इसकी जानकारी दे दी जाएगी। खास बात यह है कि ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब आईएएस पूजा खेड़कर का मामला चर्चा में है। संसद में कश्मीर टूरिज्म को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज जवाब दिया और उन्होंने कहा कि कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिससे वहां के लोगों को कारोबार में इसका लाभ मिला है। कश्मीर में टूरिज्म को लेकर आई रिपोर्ट के मुताबिक धारा 370 हटने के बाद टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है, क्योंकि 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में शांति, प्रगति और समृद्धि का दौर देखा गया है। सैलानियों में देश के साथ साथ विदेशी टूरिस्ट भी शामिल हैं। विदेशी सैलानियों में बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाले लोग हैं। 2023-2024 में सैलानियों के पहुंचने का रिकॉर्ड बना और इन 2 सालों में यहां पर्यटकों के आने की राज्य ने नई ऊंचाइयां छुई। जून 2024 तक 1,08,00,000 से ज्यादा सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंचे। वहीं 2023 में 2,11,00,000 पर्यटकों के आने का रिकॉर्ड बना।
पर्यटकों के आने से जम्मू कश्मीर के रहने वाले 5 लाख लोगों को इसका सालाना लाभ मिला। जो भी पर्यटन के कारोबार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हैं उनकी आमदनी भी बढ़ी। आंकड़े के मुताबिक 2004 से 2014 तक लोग कश्मीर जाने से डरते थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की सांसदी पर खतरा मंडराने लगा है। कंगना की चुनावी जीत को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने ये नोटिस किन्नौर निवासी लायक राम नगी की याचिका पर जारी की है, जिसमें कंगना रनौत की जीत को चुनौती दी गई है और चुनाव रद्द करने की मांग की गई। याचिका में मंडी से सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने दलील दी है कि उनके नामांकन को कथित तौर से गलत तरीके से खारिज किया गया था, जिस पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने 21 अगस्त तक जवाब मांगा है। दरअसल कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 मतों से हराकर जीत हासिल की थी। कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट को लेकर एक बार फिर विवाद गर्मा गया है। मुजफ्फरनगर निवासी और महंत स्वामी यशवीर ने हिंदू दुकानदारों से अपनी दुकानों के बाहर भगवा झंडा लगाने की अपील की है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर निवासी और महंत स्वामी यशवीर ने एक मुहिम भी छेड़ दी। वो खुद भगवा झंडा और भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान वराह की तस्वीर लेकर हिंदुओं की दुकानों और ढाबों पर पहुंचे और भगवान वराह की फोटो लगाई। उन्होंने कावड़ यात्रियों से अपील की कि जिस दुकान में भगवान वराह की तस्वीर लगी हो वो वहीं भोजन करे, इससे उनकी पवित्रता बनी रहेगी। भगवान वराह का जहाँ पर चित्र है वहाँ पर भोजन में थूकने का, मूत्र करने का या गौ मांस डालने का ऐसा घृणित कार्य नहीं होगा। स्वामी यशवीर ने कहा कि हिंदू अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है और उन्हें पूरा अधिकार है कि वो जान पहचान कर ही किसी होटल में भोजन करें, ताकि शुद्धता को लेकर भ्रम की स्थिति न हो। वैसे तो कांवड़ यात्रा के दौरान अलग अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बार राम मंदिर वाली कांवड़ खास चर्चा का विषय बनी हुई है। दावा है कि इस कांवड़ को लाने में करीब 35 लाख रुपए का खर्चा होगा, जिसे मेरठ के ग्रुप ने तैयार किया है और इस कांवड़ का नाम है एक कांवड़ राम मंदिर के नाम। कांवड़ तैयार होने के बाद कुछ लोग इसे लेकर हरिद्वार के लिए निकल पड़े। राम मंदिर के मॉडल वाली कावड़ के लिए स्पेशल रथ तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, कावड़ के साथ चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल टी शर्ट भी तैयार की गई है। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ये कावड़ हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। जैसा कि भोलेनाथ ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी है, अब हम इस यात्रा का जोड़ा पूरा करने के लिए उन्हें मेरठ की क्रांति धरा पर बने सिद्ध पीठ बाबा गोरखनाथ मंदिर पर पूजा अर्चना करके यहां से मवाना बिजनौर नजीबाबाद होते हुए हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। दरअसल इससे पहले भी कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रा निकाली थी और भगवान शिव से अयोध्या में राम मंदिर जल्द बनने की मनोकामना की थी। राम मंदिर बनने के बाद लोगों ने फिर कांवड़ यात्रा निकालने का फैसला किया। बताया गया कि इस कांवड़ यात्रा में करीब 35 लाख रुपए का खर्च आएगा। अमरनाथ यात्रा में भी श्रद्धालुओं के दर्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले साल की तुलना में ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के 25 दिन पूरे हो गए हैं और इन 25 दिनों में 4,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि आंकड़ा अब पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ चला है। पिछले साल का रिकॉर्ड 4,50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन का था, जो 25 दिनों के अंदर ही अब पूरा हो गया है। आज श्रद्धालुओं का 28वां जत्था दर्शन के लिए रवाना किया जा चुका है और अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अभी अमरनाथ यात्रा के 24 दिन ही शेष बचे हैं। अमरनाथ यात्रा कुल 52 दिनों की होती है और 19 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन ये समाप्त हो जाती है। लखनऊ का सीएमएस स्कूल सवालों के घेरे में है। सीएमएस स्कूल में पढ़ाने वाले मैथ्स के टीचर कुलदीप तिवारी ने आरोप लगाया है कि चोटी रखने और माथे पर तिलक लगाने की वजह से स्कूल प्रबंधन ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। हम क्योंकि हिंदू हैं तो धार्मिक प्रतीक चिन्हों को धारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इसको लेकर के ऑब्जेक्शन क्रिएट करती थी। उनका कहना रहता था कि हमारे यहाँ मुस्लिम स्टाफ है, हम सेकुलर स्कूल है, मुस्लिम स्टाफ है, मुस्लिम पेरेंट्स हैं और मुस्लिम बच्चे हैं, तो आप ऐसे वेशभूषा में आते हैं तो आप गुरुकुल में पढ़ाइए जाकर के। तिलक चोटी हमारे यहाँ, क्योंकि मेरी शिखा थोड़ी लंबी है, तो उन्होंने कहा कि गुरुकुल में पढ़ाइए अगर आपको जो है इस तरीके से आना है। दरअसल कुलदीप तिवारी पिछले कुछ दिनों से ज्ञानवापी और भोजशाला से संबंधित मामलों में याचिका दाखिल कर रहे थे और अब इन पर यह कार्रवाई की गई है। कुलदीप तिवारी का कहना है कि उनके ऊपर बीते एक साल से कई तरह का दबाव बनाया जा रहा था, तो वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इनका आचरण ठीक नहीं था।
हालांकि कुलदीप तिवारी इस मामले में लीगल एक्शन की भी बात कर रहे हैं। कुलदीप तिवारी कह रहे हैं कि वह कोर्ट का रुख करेंगे और स्कूल के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे कि सिर्फ इसलिए उनको हिंदुत्व स्कूल से बाहर का रास्ता दिखाया गया क्योंकि वह हिंदुत्व के ध्वजावाहक हैं। जब हमने इस पूरे मामले की जानकारी करने के लिए स्कूल प्रबंधन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया और जवाब भी गोलमोल दिया। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का क्या रुख होता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक थाने के पुलिसकर्मी वाहवाही लूटने के चक्कर में खुद ही नप गए। जी हां, पुलिस अधीक्षक ने इन आरोपियों को लापरवाही के आरोप में थाने के पूरे स्टाफ पर कार्रवाई की जिससे पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस की दो टीमों में विवाद के चलते सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्रा कमलापुर थाने पहुंचे। तब पुलिस को इस पूरे खेल का खुलासा हुआ और कमलापुर थाना प्रभारी समेत 25 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की एक टीम ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ पकड़ा था जिसे लेकर दूसरी पुलिस टीम से विवाद हो गया जिसे सुलझाने के लिए एसपी को थाने आना पड़ा। दरअसल नशे की जो खेप पकड़ी गई थी वो दूसरे जिले का था और सीतापुर पुलिस इसकी वाहवाही लूटना चाहती थी जिसके चलते एक टीम ने कमलापुर थाने पर केस दर्ज करने का दबाव बनाया लेकिन कमलापुर पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया जिसके चलते टकराव बढ़ा और एसपी को मौके पर पहुंचना पड़ा। जांच में लापरवाही पाए जाने पर पूरे थाने पर कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लाखों की चोरी का पर्दाफाश हुआ है लेकिन इस लूट की जांच के बाद जिस बात का खुलासा हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। करीब 42 लाख की इस लूट में एक दारोगा भी शामिल था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपों के मुताबिक दारोगा ने अपने साथियों के साथ मिलकर दो सराफा कारोबारियों से करीब 42 लाख की लूट को अंजाम दिया था। अब दारोगा समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित सराफा कारोबारी सोना खरीदने के लिए कोलकाता जा रहे थे तभी दारोगा ने हाईवे पर अपने साथियों के साथ क्राइम ब्रांच की टीम बताकर बस को रुकवा लिया और सराफा कारोबारियों के पैसे को हवाला का पैसा बताकर कब्जे में लेकर फरार हो गया। में एक जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे पोस्टेड उनकी भी भूमिका संदिग्ध आई। कुल 42 लाख जिसमें से अभी लगभग 8 लाख के अराउंड पैसा रिकवर हो गया है। दरअसल 22 जून को एक बड़े सराफा व्यापारी के दो वर्कर फर्म के 93 लाख रुपए लेकर बस से अपने गंतव्य को जा रहे थे तभी रात में वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में उनकी बस को कुछ लोगों ने रुकवाया था और लूट को अंजाम दिया। छुट्टी पर आया अग्निवीर लुटेरा बन गया। जी हां, बताया जा रहा है कि आरोपी अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर लूटपाट करने लगा। इस बात का पर्दाफाश तब हुआ जब पंजाब के मोहाली से पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जिनमें एक अग्निवीर जवान भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक इशप्रीत सिंह उर्फ ईशु साल 2022 में भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर भर्ती हुआ था। वो 2 महीने की छुट्टी पर आया लेकिन छुट्टी पूरी होने के बाद वापस नहीं लौटा और अपराध का रास्ता अपना लिया। आरोप है कि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो गाड़ियों की लूटपाट करने लगा। इन्होंने जड़ी सी गड्डी जड़ी सी वो कैब बुक कराई सी ताकि ट्रेस ना हो पाने ही ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੈਬ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਖੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਤੌਰ ਅਗਨੀਵੀਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। छुट्टी के दौरान ही आरोपी ने अपने भाई प्रभदीप सिंह और दोस्त बलकरण सिंह के साथ मिलकर हथियार जुटाए और लूटपाट शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी हाल ही में हथियार दिखाकर एक कार लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। बिहार के सुपौल में घर से कोबरा सांपों का जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने कोबरा को रेस्क्यू किया। एक घर में मरम्मत का काम चल रहा था, खुदाई के दौरान एक कोबरा सांप दिखाई दिया लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद एक के बाद एक सांपों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई जिसमें मौके पर पहुंचे सांपों का रेस्क्यू किया और एक बड़े कोबरा के साथ 30 बच्चों को एक डिब्बे में बंद किया। हमारे आशंका के हिसाब से उसे खोदा गया कि इतना बड़ा सांप हो सकता है। पड़ोसियों में भी डर और दहशत का आलम है। इस मामले को लेकर रेस्क्यू के दौरान दिन भर लोगों की भारी भीड़ जमी रही। आवासीय घर में इतनी संख्या में कोबरा जैसे जहरीले सांप के मिलने से लोग दहशत में हैं। चलिए अब आपको गुजरात के जूनागढ़ से आए एक वायरल वीडियो को दिखा देते हैं। दरअसल गुजरात के कई जिलों में इस वक्त भारी बारिश का दौर जारी है जिससे जूनागढ़ अछूता नहीं है।
लिहाजा जूनागढ़ के आसपास के इलाकों में इन दिनों शेरों की हलचल तेज हो गई है। बारिश से बचने के लिए शेर लोगों के घरों में डेरा जमा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो आया है, वीडियो में आप देखिए एक शेरनी एक घर में अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते कई दिनों से उनके घरों के आसपास गिर लॉयन देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले का पर्दाफाश हुआ है। हिंदू युवा वाहिनी नाम के एक संगठन ने इसकी शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। आरोप है कि रायबरेली में ग्राम विकास अधिकारी और जन सुविधा केंद्र के संचालक की मिलीभगत से 50,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों के फर्जी जन प्रमाण पत्र बनाए गए। बताया गया कि पिछले कुछ ही महीनों में ऐसे लोगों के जन प्रमाण पत्र बनाए गए जिनका यहाँ से कभी कोई संबंध ही नहीं है। 50-60 हजार की संख्या में बने जन्म प्रमाण पत्रों की जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के हैं, उनके सिलसिले में हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को एवं अपने हिंदू युवानी संगठन प्रदीप तिवारी जी को जो है ज्ञापन देकर मैंने उनको उचित न्याय करने की और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में एटीएस से पूछताछ के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भी भेज दिया और इस मामले में अभी भी कई लोगों से पूछताछ जारी है। हिंदू युवा वाहिनी ने इस मामले में कई अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। अभिनेता सलमान खान ने जब से काले हिरण का शिकार किया है तभी से वो लॉरेंस बिश्नोई की रडार पर है। 14 अप्रैल को लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करके दहशत फैला दी थी, लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और मुंबई क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई का मकसद सलमान खान को मारना नहीं बल्कि सलमान के मन में दहशत फैलाना है, जिससे मुंबई अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस बिश्नोई की दहशत फैले और दिग्गज अभिनेता बड़े बड़े उद्योगपति उसके नाम से थर थर कांपे। सलमान खान फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक चार्जशीट दाखिल की है जिसमें एक ऑडियो क्लिप को भी शामिल किया गया है और इस ऑडियो क्लिप में लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई पुर्तगाल से बैठकर अपने शूटरों को कमांड दे रहा था। अनमोल बिश्नोई अपने शूटर विक्की गुप्ता से कहता सुनाई दे रहा है, सुनो भाई लोग सलमान के घर गोली चलानी है, ऐसा करो तुम लोग हेलमेट पहन कर ना जाना, फायरिंग के वक्त सिगरेट भी पीते रहना ताकि कॉन्फिडेंट दिखो और सुनो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, 1 मिनट लगे 1.5 मिनट लगे लगने दो लेकिन गोलियां ताबड़तोड़ चलानी है और तुरंत चलानी है। एक बात और, उसके घर में कैमरा लगा है तो कैमरे में चेहरा जरूर आ जाए ताकि खौफ बना रहे। इस ऑडियो क्लिप से साफ होता है जेल में सजा काट रहा लॉरेंस बिश्नोई मुंबई का बेताज बादशाह बनना चाहता है और इसीलिए उसने बॉलीवुड के दबंग कहे जाने वाले सलमान खान को मोहरा बनाया है। सुबह सुबह हमारे दिन की शुरुआत जिस चीज से होती है वो है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है क्योंकि सुबह उठने के बाद हम लोग सबसे पहले टूथपेस्ट से अपने दांत साफ करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल करते समय सोचा है कि ये वेज है या फिर नॉन वेज? क्योंकि आजकल बाजार में दांत साफ करने के लिए कई तरह के और अलग अलग फ्लेवर के टूथपेस्ट मौजूद हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस टूथपेस्ट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेज है या नॉन वेज, क्योंकि रोजाना इस्तेमाल होने वाला आपका टूथपेस्ट वेज ही नहीं बल्कि नॉन वेज भी हो सकता है। टूथपेस्ट में भी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का जो लेबल है वो आता है। कई टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें एनिमल डेरिवेटिव्स यानी कि जानवरों का जो बाय प्रोडक्ट है वो यूज किया जाता है। दरअसल टूथपेस्ट में एब्रेसिव्स, फ्लोराइड्स और ह्यूमेक्टेंट्स जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे दांतों से प्लाक को हटाने में मदद करते हैं। तो वहीं टूथपेस्ट में इस्तेमाल होने वाला फ्लोराइड दांतों के इनेमल को मजबूत बनाता है और कैविटी भी रोकता है। अलग अलग कंपनियां अपने प्रोडक्ट को लेकर अलग अलग दावे भी करती हैं। जीवित अगर किसी भी एनिमल से हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो उन बाय प्रोडक्ट्स को बेसिकली वेजिटेरियन प्रोडक्ट कहा जाता है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डिसाइड करना है कि कौन से वेजिटेरियन होंगे कौन से नॉन वेजिटेरियन होंगे। आजकल कई टूथपेस्ट में फ्लेवरिंग एजेंट, एंटीबैक्टीरियल एजेंट और नेचुरल एलिमेंट भी मिलाए जाते हैं जो दांतों को साफ करने में मदद करते हैं। हालांकि कुछ घटनाओं के सामने आने के बाद इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या टूथपेस्ट में नॉन वेज मटेरियल भी मिलाया जाता है। Z News.